नेक्स्ट so चैप्टर is सीक्वेंसेस एंड सीरीज Sequences एंड सीरीज ठीक है तो पहले मैं बात करता हूं किसकी सीक्वेंस की ठीक है मैं बात करता हूं सीक्वेंस की ठीक है, वॉट इज सीक्वेंस हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की देखिए होता क्या है मैं आपको कोई भी एक मतलब मैं आपको बहुत सारी टर्म्स लिख के देता हूं ठीक है मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ठीक है हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मान लो आपके पास ये टर्म्स लिखी है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ठीक है तो आपने इसमें देखा क्या एक ये, ये रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हाँ एक रूल फॉलो हो रहा है आप क्या कर रहे हो प्लस टू करते जा रहे हो आप क्या करते जा रहे हो प्लस टू करते जा रहे, करते जा रहे हो बहुत टर्म्स आपको दे रखिए और हो क्या रहा है हर टर्म अपने प्रेसिडेंट टर्म से टू ज्यादा है हर टर्म अपने प्रेसिडेंट टर्म से टू ज्यादा है ये देखिए टू प्लस टू ठीक है देखो प्लस टू और हम देखते हैं और हम देखते हैं मान लो ऐसा लिखा है टू फाइव सॉरी हा फाइव एट नेक्स्ट इलेवन नेक्स्ट फोर्टी नेक्स्ट सेवेंटी तो आप देखो इसमें आप क्या ये टू में आप क्या करोगे प्लस थ्री ज्यादा है प्लस एट थ्री ज्यादा है अगेन प्लस थ्री प्लस थ्री चले जा रहा है ठीक है आप समझ पा रहे हो आई थिंक सो आप फील कर पा रहे हो इस चीज को कि क्या रहा है 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 ना तो होता क्या सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म्स है, है ना बहुत सारी टर्म्स ठीक है अब वो फाइनेट भी होते हैं ठीक है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी अगर आप यहाँ डॉट 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 लगा दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी और अगर आपने कुछ टर्म्स ही ली तो वो फाइनाइट में कंसिडर होंगे तो अगर बहुत सारी टर्म्स ठीक है और बहुत सारी टर्म्स किसी एक किसी एक रूल को फॉलो करते हुए लिखी गई है ठीक है बहुत सारी टर्म्स किसी एक रूल को फॉलो करते हुए लिखी गई हैं तो वो वो टर्म्स किस क्या कहलाएंगी वो किसके अंदर कंसीडर होंगी एक सीक्वेंस के अंदर कंसीडर होगी ठीक है तो वो जो टर्म्स होंगी वो किसके अंदर कंसीडर होंगी सीक्वेंस के अंदर कंसीडर होगी ठीक है बहुत सारे नंबर्स अगर किसी रूल को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं ठीक है बहुत सारे नंबर्स ठीक है अब उसमें फाइनाइट भी हो सकता है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सम और फाइनाइट सॉरी सम फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर मतलब कुछ नंबर या बहुत सारे नंबर्स ठीक है किसी रूल को फॉलो करते हुए लिखे जा रहे हैं तो हमेशा वो किस किसके एक सीक्वेंस के अंडर कंसीडर होते हैं एक सीक्वेंस ठीक है तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है फिर बात आती है सीरीज की तो सीरीज क्या होगा ठीक है आप इधर लिख सकते हैं टर्म्स ठीक है आर डिफाइंड ठीक है एज अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर या टर्म्स आर डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर कुछ भी कंडीशन हो सकती है ठीक है पर्टिकुलर रूल ठीक है या सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो कर रही हो ठीक है टर्म्स आर डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर रूल ठीक है पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही हो सॉरी डिफाइंड एज टर्म्स आर फॉलो सॉरी टर्म्स आर फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल ठीक है जो टर्म्स होंगे वो पर्टिकुलर रूल को एक फॉलो कर रही होंगे ठीक है ठीक से, है सेकेंड है सीरीज तो सीरीज क्या होता है बाय एडिंग बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस the terms of a sequence ठीक है देन वी गॉट अ सीरीज देन वी गॉट अ सीरीज अगर बहुत सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है तो, तो सीक्वेंस में आप उसको सेपरेटेड बाय कॉमा लिख दोगे अब आप सारी टर्म्स को ऐड या सप्रेड करके आप अगर डिफाइंड कर दोगे एड या सप्ट्रैक्ट करके लिख दोगे तो वो जो सीक्वेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में बस दैट्स इट ठीक है टर्म्स आर फॉलो अ पर्टिकुलर रूल रूल अगर टर्म बहुत किसी particular rule को फॉलो कर रही है तो तो सीक्वेंस के अंदर अंटर कंसिडर होंगी और उन टर्म्स को अगर मैं एड और सब्ट्रैक्ट करके लिख दू ठीक है एड और सब्ट करके लिख दू तो वो जो सीक्वेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में ठीक है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस देन वी गॉट अ सीरीज चलिए अब एक नोट लिखते हैं एक नोट छोटा सा नोट ये है कि सीक्वेंस इज सेट टू बी सीक्वेंस इज सेट टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इट हैज फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस और इन्फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे ठीक है तो अगर उसमें नंबर टर्म्स और इनफाइनाइट नंबर टर्म्स जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये लिखा है थर्टी टू एंड ऑन तो ये क्या होगा इनफाइनाइट होगा ये क्या होगा इनफाइनाइट और मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है वन बाय थ्री माइनस वन थ्री माइनस नाइन माइनस सॉरी प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस एटी वन दैट्स ऑल तो ये क्या होगा फाइनाइट भाई इनफाइनाइट में क्या होगा जो टर्म्स होंगे ना उसको आप डॉटेड 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 कर दोगे तो डॉट 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 करने से हम ये मानते हैं कि एंडसोन ये कंटिन्यूसली चल रही है ठीक है तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा इन्फाइनेट सीक्वेंस होगा और सेकंड वाला हमारे पास क्या होगा बेटा फाइनेट सीक्वेंस होगा नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन अ सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस तो आप देखिए एएन जो होता है एएन क्या करता है जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है जनरल ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस हम एन से डिनोट करते हैं जनरल टर्म को और एन इक्वल टू वन पुट करने पे हमें क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म एन इक्वल टू टू पुट करने पे हमें क्या मिलेगी सेकेंड टर्म ठीक है सेकेंड टर्म मिलेगी एन इक्वल टू थ्री पे पुट करने पे हमें क्या मिलेगी थर्ड टर्म एन इक्वल टू फोर पुट करने पे हमें क्या मिलेगी फोर्थ टर्म तो ऐसे हमें गिवन मिलता जाएगा ना, और ये एन आपको पता होगा एन कुछ भी एन में एक रिलेशन दे रखा होगा ठीक है ये एक फंक्शन ही होता है ठीक है आप इसे ऐसा कर सकते हो कि ये एक फंक्शन होता है ठीक है आप इस चीज को याद रखेगा सिक्वेंस इज अ फंक्शन आप याद कर सकते हो सीक्वेंस इज अक्शन का एक फंक्शन होता है, अब function है तो relation भी और रिलेशन होगा ना भाई डिनोट किससे करेंगे ए एन से डिनोट हम किससे करेंगे फंक्शन को ए एन से कर सकते हो या समाइम इससे भी कर सकते हो ठीक है लेकिन हम इससे करेंगे ए एन से ठीक है तो जन वो जो और जो लिखा होगा जो भी वो वो क्या करेगा उस सीक्वेंस की जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ठीक है कि हर टर्म उसके टर्म में लिखी जा सकती है और एन की वैल्यू पुट करने पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म मिल सकती है वन पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म ट्वेल्व पुट करेंगे तो ट्वेल्थ टर्म थर्टीन पुट करेंगे तो थर्टीन टर्म तो ऐसे चलती जाएगी कहानी बट आपको ए एन पता होगा ठीक है ए सॉरी ए एन आपको पता होगा एन आपका नेचुरल नंबर होता ही है एन बिलोंग्स टू एन होता ही है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो हम काउंटिंग नंबर्स में कर सकते हैं और काउंटिंग नंबर्स ही क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ही क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर्स। थीके? फिर देखिए हम सीरीज को कैसे डिनोट करते हैं ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ओके तो पहले हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस of n terms are देखिए a1, a2, a3, a4, a5 and till an क्या है till an okay, आगे बात समझ बे let us consider a sequence of n terms a1, a2, a3, a4, a5 till an ठीक है अब इस कॉरस्पोंडिंग जो सीरीज होगी ठीक है लेट एस बी सीरीज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय दीज टर्म्स ठीक है दीज टर्म्स तो वो क्या होगी एस इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर और कहां तक ए एन तक तो देखिए इतनी सॉरी टर्म्स को बहुत सारी लिखी तो हम ऐसा तो है नहीं हर टर्म्स को लिख सकते हैं बीच में डॉट तो हम क्या करते हैं एक ऑपरेटर बनाते हैं क्या बनाते हैं एक ऑपरेटर बनाते हैं ये वाला आप लोगों ने पढ़ी रखा है और इसे क्या बोलते हैं सिग्मा ये एक ऑपरेटर होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर है ठीक है इसे हम बोलते हैं सिग्मा ठीक है किसकी मां सिग्मा ठीक है ऑपरेटर होता है ये काम क्या करता है एडिंग द टर्म्स ठीक है एडिंग टर्म्स टर्म्स को ऐड करेगा ये ऑपरेटर होता है सिग्मा और ये टर्म्स को ऐड करता है अब कैसे करता है तो आप देखिए आपने क्या करा आपने क्या करा अब ये एक एन टर्म्स की सीक्वेंस लिखा था और जिसकी जनरल टर्म हम ऐसे लिख सकता हूं मैं ak देखो जनरल टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं ak भाई an लिखा है ना ak लिख लो ए के लिख लो अब हो क्या के मिनिमम वैल्यू कितनी है देखिए ए कहां से स्टार्ट हो रहा आंसर है आंसर ए वन से तो के मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वन और के maximum कहां तक जा रहा है एन तक तो यहां पर आ जाएगा इक्वल टू एन ये लिमिट हम डिसाइड करते हैं हम क्या करेंगे बहुत सारे जो सीक्वेंस में नंबर है अगर वो सीरीज में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे उसकी जनरल टर्म को यहां लिखेंगे और फिर हम मिनिमम वैल्यू रख देंगे के इक्वल टू वन तो वन रखने से अब होगा क्या अगर उल्टा अब आप रिवर्स सोचो मान लो ये लिखा है आपके पास तो उससे हम ये भी लिख सकते हैं क्या क्या करेंगे करेंगे के मिनिमम वैल्यू पुट वन और मैक्सिमम पुट करेंगे एन तो ये बन जाएगा तो ये एक लिखने का तरीका होता है इसको तो हम सीरीज को डिनोट कैसे करते हैं सिग्मा के ऑपरेटर से डिनोट करेंगे अब डिपेंड करता है आपको देखकर रखा है जनरलाइज मैंने यहां पे ले लिया के ठीक है जनरलाइज मैंने यहां पे क्या ले लिया बेटा एक के ठीक है सबसे इजी एग्जांपल एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं ठीक है एग्जाम्पल वन है एनसीआरटी का ठीक है एनसीआरटी का एग्जाम्पल वन है ठीक है वो कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय तो पहला है बेटा इसमें ए एन इक्वल्स टू टू एन माइनस वन और दूसरा है ए एन इक्वल्स सॉरी सेकेंड है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू एन माइनस थ्री अपॉन फोर आपको दोनों सीक्वेंस में दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट फोर टर्म्स आपको लिखनी है आपको दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है और आपको दे रखा है जो है जो सीक्वेंस वो किस तरीके से है तो स्टार्ट करते हैं तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आपको ए एन दे रखा है क्या टू एंड माइनस वन क्या दे रखा है बेटा टू एंड माइनस वन ठीक है टू एन माइनस वन दे रखा है अब आप एन इक्वल्स टू वन पुट करो क्वल टू वन पुट करोगे तो ए वन मिलेगा मतलब फर्स्ट टर्म ए वन आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म एफ टी तो एन इक्वल टू वन रखा टू इन टू वन माइनस वन वन आ गया तो ए वन टर्म आपकी आ जाएगी बेटा वन एन इक्वल्स टू टू आ गया एन इक्वल्स टू टू में आप देखो ए टू कितना मिलेगा टू टू ऑफ फोर माइनस वन थ्री आगे बस समझ में एन इक्वल्स टू थ्री थ्री रखने पर कितना मिलेगा ठीक है कितना आएगा ए थ्री टू थ्री 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 टू या सिक्स माइनस वन फाइव आ गया और एन इक्वल टू फोर रखने पर क्या मिलेगा ए फोर फोर्थ टर्म ए फोर फोर्थ से फोर्थ टर्म को डिनोट करेगा तो फोर टू जो एट माइनस वन सेवन सिंपल है आपको एन की वैल्यू पुट करते जानी और कुछ नहीं है आप सेम सेकंड वाला ट्राई कर सकते हैं बहुत इजी है बहुत इजी चीजें है एन की पुट करनी जानी है उसने चार फोर टर्म्स पूछी है ठीक है उसने फोर टर्म्स आस करी है कि आप हमें फोर टर्म्स बताओ तो हमने एन की वैल्यू वन से लेकर फोर तक रखी सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट में कर सकते हो बेटा ना सेकेंड पार्ट में आप देखो कर सकते हो आपको ए क्या गिवेन है एन माइनस थ्री तो आप एन बेटा वन रखोगे रखो वन ए कितना मिलेगा वन माइनस थ्री तो वन माइनस थ्री अपॉन फोर कितना आ जाएगा माइनस टू अपॉन फोर विच इज माइनस हाफ क्लियर एन टू रखोगे टू रखने पे देखिए क्या मिलेगा टू माइनस वन बाय फोर ए टू कितना आएगा माइनस वन बाय फोर और एन थ्री रखने पे क्या मिलेगा जीरो और फोर रखने पे क्या मिलेगा यही लिख देता हूं मैं इजी है क्योंकि फोर रखने पे क्या मिलेगा वन बाय फोर ए सॉरी हाँ एन की वैल्यू फोर रखने पे ए फोर कितना मिलेगा वन बाय फोर बहुत इजी है ना बहुत इजी है बहुत इजी है अच्छा मान लो इसी में जैसे ये सीक्वेंस दे रखा होता है ना इसी में ठीक है मैं आपको बताता हूं, इसी में अगर वो बोलता रिप्रेजेंट करना होता मैं ये नहीं कर रहा हूं फाइंड आउट आप आपको अगर फिफ्टीन टर्म्स का क्या करना है ठीक है मैं इसी में आपको एड कर रहा हूं छोटी सी चीज कि राइट ठीक है राइट या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट समर्स्ट फिफ्टीन टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टीन टर्म्स इन सीक्वेंस इन सीक्वेंस टू एंड माइनस 1 तो so, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लगाओगे सिग्मा ऑपरेटर जनरलाइज स्टम कौन सी है टू 1 माइनस वन तो आपने इसको लिख दिया जनरलाइज स्टम को टू 1 माइनस वन अब आपको क्या चाहिए फर्स्ट फिफ्टीन टर्म्स का समझिए तो एन की मिनिमम वैल्यू वन से लेके कहा तक फिफ्टीन तक दैट्स इट मान लो कोई ऐसा बोलता है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम थर्टीन टू ट्वेंटी एट इन सीक्वेंस सीक्वेंस ठीक है ये मैं सिखा रहा हूं आपको है ना बस आपको सीखना समझ आनी sequence, में आनी चाहिए फंडे आप सारे सम, टम्स सम लिख लो ठीक है एक्चुअली होता क्या ये इससे बहुत ईजी हो जाता है ठीक है आपके सिलेबस से चीज हट चुकी है लेकिन इससे सॉल्व करना इसको बहुत ईजी है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मुले होता है इनके जब हम इस सिग्मा ऑपरेटर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मुले होते हैं ठीक है तो अभी आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि रिप्रेजेंट कैसा करना है बाद में हम सारी कहानी और डिस्कस करेंगे तो अब थर्टीन से लेकर ट्वेंटी तक तो आपने क्या लगाया क्योंकि सम लिखना है तो हमने लगा दिया सिग्मा ऑपरेटर हमने जनरलाइज टर्म लिख दी किसकी एन माइनस थ्री अपॉन फोर अब एन की वैल्यू हमें कहां से लेना सम लेना थर्टीन से लेके ट्वेंटी एट तक इट हम इससे डिनोट कर देंगे अब ठीक है आप इसको एस लिखो चाहे कुछ लिखो तो आई होप मुझे मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि सिग्मा ऑपरेटर को यूज कैसे करना है ठीक है हाउ टू यूज सिग्मा ऑपरेटर देखो क्वेश्चन नंबर वन के मतलब पहला जो पार्ट है ठीक है उसमें पांच क्वेश्चन है पांच छह क्वेश्चन है उसमें हर में आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइव करनी है ठीक है उसका कोई भी मैं एक पार्ट कराता हूं बहुत आप कर सकते हैं ठीक है ठीक है एक्सरसाइज नाइन पॉइंट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपको ए एन दे रखा है माइनस वन की पावर एन माइनस वन एंड फाइव की पावर एन प्लस वन ठीक है और आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करनी है फर्स्ट फाइव टर्म्स ठीक है एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो मैं इसमें एड कर रहा हूं एंड ऑल्सो फाइंड सीक्वेंस एंड ऑल्सो फाइंड सीक्वेंस एंड ऑल्सो फाइंड सीक्वेंस ये सीक्वेंस होगा क्या तो पहले फर्स्ट फाइव टर्म करनी हो कभी सीक्वेंस फाइंड करना है ना तो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स लिख दो, तीन या चार टर्म्स लिख लो ठीक है तो आप क्या करोगे एन इक्वल टू आप वन पुट करोगे तो एन इक्वल टू वन करने पे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी क्या मिली माइनस वन की पावर वन माइनस वन ओके और फाइव की पावर टू ठीक है एन की वैल्यू आपने वन पुट कर दी तो वन प्लस वन तो देखिए माइनस वन रेस टू पावर जीरो तो प्लस हो गया तो ये मिल गया आपको ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आएगी ट्वेंटी फाइव आपने एन इक्वल टू टू पुट करा तो ए टू मिलेगा आपको माइनस वन रेस टू पावर वन फाइव रेस टू दावर थ्री तो ये हो गया माइनस वन टू फाइव ठीक है एन इक्वल्स टू थ्री पुट करा एपको मिल गया कितना माइनस वन रेस टू दावर थ्री माइनस वन विच इज टू एंड फाइव रेस टू दावर फोर ठीक है आप कैल्कुले सोल्व कर लीजिए कितना आएगा यह आएगा प्लस सिक्स टू फाइव ठीक है ऐसे ही एन इक्वल्स टू फोर रखने पर ए फोर फोर्थ टर्म आपको मिलेगी माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर इवन तो क्या होता है पॉजिटिव और माइनस वन रेस टू दी पावर ऑड क्या होता है नेगेटिव तो देखिए इसका नेगेटिव आया इसका पॉजिटिव इसका फिर नेगेटिव आएगा ये ये पावर हो जाएगा कितना बनेगा तो so, आप करके देख लीजिए सिक्स टू फाइव इंटू फाइव तो ट्वेंटी फाइव फाइव वन ट्वेंटी फाइव सॉरी फाइव फाइव जवेंटी फाइव फाइव टू जेन और टू ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा थ्री वन टू फाइव है ना थ्री वन टू फोर है तो एन इक्वल्स टू फोर रखने फाइव रखने पर कितना थ्री वन टू फाइव ऐसे ए फाइव आपको मिल जाएगा रखने पर ठीक है आप सॉल्व कर लीजिएगा मैं लिख देता हूं उसको माइनस का आएगा बस माइनस का आएगा ठीक है माइ प्लस का सॉरी प्लस माई प्लस का आएगा ये माइनस का था ये आएगा माइनस वन रेस्ट टू तो दावर फोर इंटू फाइव रेस्ट टू तो दावर फाइव फोर सॉरी सिक्स फाइव रेज टू दी पावर आप सोल्व कर लीजिए तो बेटा आपका सीक्वेंस क्या फॉर्म हो गया सीक्वेंस आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या बन रहा है सीक्वेंस आपका बन रहा है सर ट्वेंटी फाइव कॉमा माइनस वन ट्वेंटी फाइव कॉमा सिक्स टू फाइव कॉमा माइनस थ्री वन टू फाइव कॉमा अब देखिए चलता जा रहा है ना तो चलता जा रहा है सीक्वेंस तो इनफाइनेट है तो हम डॉट 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 लगा देते हैं तो ये बता देगा सीक्वेंस कंटिन्यूसली रनिंग में है ठीक है ये ये आपको डिफाइन करेगा जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है कंटिन्यू वे में रनिंग में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर एट ठीक है मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगा ठीक है राइट डाउन राइट डाउन द फॉलोइंग टर्म्स राइट डाउन द फॉलोइंग टर्म्स राइट डाउन द फॉलोइंग टर्म्स write down the following terms of a sequence of a sequence given by given by an is equals to n square upon 2 raised to the power n ठीक है और आपको terms दे रखिए a4 second आपको दे रखिए a7 थर्ड आपको दे रखिए a12 तो आपको पता ही लग होगा वो के कैसे ठीक है बहुत है तो आपको ए एन दे रखा है सोल्यूशन हम देख रहे हैं ए एन आपको ठीक है ए फोर तो फोर का स्क्वायर अपॉन टू रेस टू पावर फोर तो ये हो जाएगा कितना बेटा वन ठीक है सेकेंड पार्ट क्या है ए सेवन रख दो एन सेवन रख दिया सिमिलरली हमें सॉल्व करते जाना है ना सिमिलरली हमें सॉल्व करते जाना है ए सेवन हमें क्या मिलेगा सेवन स्क्वायर अपॉन टू रेस टू दावर सेवन सिमिलरली फॉर एन इक्वल्स टू ट्वेल्व ए ट्वेल्व इक्वल्स टू ट्वेल्व स्क्वायर अपॉन टू रेस टू दावर ट्वेल्व इट जनरल आइडिया लगना चाहिए जनरल आइडिया थैंक यू